नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश राठी सिलसिला बाजारों का आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ हल्की बढ़त बनती नजर आई है। हमने देखा था कि 14 और 15 तारीख दो दिन तक फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक है वो चली थी, उस पर सारी निवेशकों की नज़रें टिकी हुई थी कि फेडरल रिजर्व बैंक क्या निर्णय लेगा। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में अब एक बार फिर से बढ़त देखने को मिल रही है। सोना इस वक्त $1781 पर ट्रेड कर रहा है 1% की तेजी के साथ, और सिल्वर $22 पर है लगभग 2.5% की तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर अब पहले के मुकाबले और अच्छी तेजी के साथ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फेडरल रिजर्व बैंक ने बोला है कि जो उसका जो डिसीजन आया था उसकी वजह से वेडनेसडे यानी कि कल के कारोबारी सत्र में बुधवार को जो बॉन्ड यील्ड थे और जो शेयर्स थे उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब US फेडरल रिजर्व बैंक का असर मार्केट पर कैसा रहेगा, मार्केट तेजी की ओर जाएगी या मंदी की ओर, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीट पर। जी शुक्रिया रूपा जी। फेडरल रिजर्व बैंक का जो निर्णय निकल के सामने आया है उससे आपको क्या लगता है, आप सोने चांदी की कीमतें आगे क्या रह सकती है? देखिए फिलहाल सोने और चांदी की कीमतें जो हैं पॉजिटिव जा सकती हैं क्योंकि US फेडरल रिजर्व ने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटली लिया है। और अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड की केसेस जो है वो रिकवरी में आ रहे हैं, जो ओमिक्रॉन के जो इम्पैक्ट है वो भी अभी फिलहाल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोना और चांदी, देखिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्केट जा सकता है। अभी जो जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा फिलहाल मार्केट में मूवमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले अगर देखा जाए तो सोना अभी भी $1780 के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल यही रेंज है $1760 से लेकर ऊपर में $1820 के आसपास ही फिलहाल मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे ज्यादा फिलहाल मूवमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर कुछ इकोनॉमी के अंदर कुछ अपडेट्स निकल कर आते हैं तो उसका इंपैक्ट जरूर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सोना और चांदी पॉजिटिव रह सकते हैं और निचले स्तरों पर खरीदारी एक्टिव रहेगी। और आज भी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में सोना जो है हो सकता है $1800 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी 100 से 150 रुपए का अपसाइड चार्ज जो है वो देखने को मिल सकता है। जी ये सरूपा जी, बात करें अगर क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल में आपको क्या लगता है, क्योंकि कच्चे तेल में देख रहे हैं कल के मुकाबले अब कुछ हल्की बढ़त बनती नजर आई है। और ये भी खबरें निकल के सामने आई कि बीते कारोबारी सप्ताह जो इन्वेंट्रीज थी वो थोड़ी डाउन जाती हुई नजर आई है, उनमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। देखिए जहां तक कच्चे तेल की बात है अखिलेश, कच्चे तेल में भी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब हम फिर देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा करेक्शन में जो जाते हुए दिखाई दिए थे उनमें बाउंस बैक आया है और मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। अगेन क्रूड जो है $72 के बेहद करीब है और अभी भी तेजी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और $72 को अगर क्रॉस कर जाता है तो ऊपर में $75 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यानी कच्चा तेल भी अभी फिलहाल पॉजिटिवनेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओमिक्रॉन का इंपैक्ट अभी फिलहाल कम है, इस वजह से जो डिमांड को लेकर जो क्वेश्चन मार्क लग रहे थे कि डिमांड घट सकती है उसका उस पर एक बार क्वेश्चन विराम लगता हुआ दिखाई दिया और जिसकी वजह से कच्चे तेल में वापस से मूवमेंट आई है और इन्वेंट्रीज तो घट ही रही है और डिमांड वैसे भी पहले बहुत ज्यादा थी और सप्लाई जो है वो इसको मीट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ही कच्चे तेल में पहले भी तेजी देखने को मिली थी। और जो ये ओमिक्रॉन का इंपैक्ट आने लगा उसकी वजह से बाजार ऊपरी स्तरों से फिसले, लेकिन अब वापस से उसी डायरेक्शन में है और अगर अब यहां से $72 के ऊपर जाता है कच्चा तेल तो $75 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि अगर कच्चा तेल या WTI $72 के ऊपर जाता है तो रूपा जी के अनुसार $75 के भी लेवल्स दिखा सकता है। ये सिर्फ रूपा जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का मार्केट भी आज हरी निशान पर है, आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स में क्या चमक बढ़ती नजर आ सकती है? देखिए बेस मेटल में भी फिलहाल पॉजिटिवनेस है और बाइंग जो है वो एक्टिव है और अभी आप देखिए कॉपर भी 734 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कि आगे 740 के ऊपर निकल सकता है। और बेस मेटल में मुझे लगता है निकल भी वापस से तेजी की तरफ जा सकता है, निकल में भी पॉजिटिव रुझान है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मैंने हमेशा ही यही बोला है कि जब भी बेस मेटल नीचे आते हैं आप उसमें बाइंग करके चलिए और अभी भी फिलहाल वही ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, निचले स्तरों पर बाइंग करके चला जा सकता है।
तो यानी कि बेस मेटल्स में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जब भी बेस मेटल्स की कीमतें नीचे आती हैं तो रूपा जी के अनुसार बेस मेटल्स में खरीदारी में रहा जा सकता है। रूपा जी, नॉन एग्री पे आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे नॉन एग्री में आपकी तरफ से? देखिए, नॉन एग्री में आज मुझे लगता है कि गोल्ड में बाइंग करना चाहिए, गोल्ड ऊपर जा सकता है, गोल्ड के साथ साथ बेस मेटल एज यूजुअल तेजी में है, बेस मेटल्स में भी आज खरीदारी करके चला जा सकता है, तो ये कच्चा तेल भी इनफैक्ट पॉजिटिव है, तो इन सब में आज बाइंग की रणनीति ली जा सकती है। निकल 1560 तक ऊपर जा सकता है और कॉपर जो है 742 से लेकर 748 की रेंज पकड़ सकता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 48,400 से 500 का स्तर गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।